द बिग एप्पल हमने ये सोच के रखा है, इसमें हम करियर की रिलेटेड न्यूज रखेंगे, जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह के लिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपना खुद का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, ठीक है, कि हम बहुत सारे हैं पास आउट हो जाते हैं बीटेक के, कि हमने इस एग्जाम की तैयारी की थी, बहुत बहुत होता है, पर इसको हम ऐसे ना ऐसे करते ना तो निकल जाता। तो अगर किसी के दिमाग में ऐसा थॉट कभी भी फ्यूचर में आए कि मैं इस एग्जाम की तैयारी को ऐसे ना ऐसे करता, इस बुक से करता तो मेरा निकल जाता, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे लिख के भेजिए, काफी लोगों के काम आएगा। एंड वी हैव इनकल्केट इन दिस सेक्शन। नेक्स्ट इज यूरेका मूवमेंट। इस सेक्शन में हम बेसिकली बहुत सारे, आपने देखा होगा आजकल स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ये छोटी छोटी वेबसाइट चल रही है, आप जानिए एक एक दो दो लोगों के वेंचर्स हैं, ये करोड़ों रुपए के वेंचर्स हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह, सन ग्रुप है, सन फार्मा, स्पाइस जेट, एक एक दो दो लोगों के वेंचर्स हैं, और ये सारे IIT और IIM से जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं सब उनका काम है, समझे। फ्रस्ट्रेशन में आप पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहा हूँ, ये लोग किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, बड़ी प्रॉब्लम है, बट वो जो उनकी प्रॉब्लम है ना वो उसको पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया। तो दिस इज द यूरेका मूवमेंट। अगर आपको कहीं ऐसी स्टोरी मिलती है, स्नैपडील फ्लिपकार्ट तो हम जानते हैं, पर बहुत सारे ऐसे वेंचर्स हैं जो कि चल रहे हैं लोकल लेवल पे हम नहीं जानते हैं, तो आप प्लीज लिखिए, हमें भी बताइए, आपको भी जानने को मिलेगा कि यार मैं भी तो कर सकता हूँ। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीजें हैं आप इस सेक्शन में हम आपके इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इंजीनियर्स इनसाइट, इसमें जो भी इंजीनियरिंग के इनोवेशंस हैं आप लोग पढ़ते हैं, जरूरी नहीं इनोवेशंस रिव्यू हैं, बहुत बार ऐसा होता है आप किसी कोर्स के लिए, आपने बीटेक में भी तैयारी करते हैं, किसी एक टॉपिक को बड़ा अच्छा लगता है उसको इतना दबा के पढ़ लेते हैं, बहुत कहते हैं यार इसमें तो तू PhD कर ली तूने, दैट मीन्स आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो प्लीज वेलकम है, आप उसका एक रिव्यू लिखिए और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखिए जो कि जो उस फील्ड का भी नहीं है वो भी उसको समझ पाए। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडिया। इसमें बिल्कुल जो ग्राउंड ब्रेकिंग, जैसे भी जो है शशांक जी ने भी बताया था, इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल एक साल के अंदर जो करंट रिसर्चेस हैं आप उसके लिए दीजिए जो कि आगे फ्यूचर में इंप्लीमेंट होने वाली है। ओके, नेक्स्ट इज बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल में बेसिकली जो है इसके अंदर हम जो है एक कैरियर रिलेटेड चीजें रखना चाह रहे हैं, इसके लिए अभी आगे जो है मिस प्रियंका आपको बताएंगी अभी डिटेल में करियर सेक्शन में। एंड नेक्स्ट इज आई एम व्हाट आई एम। ये हमने जो आई एम व्हाट आई एम रखा है, इसमें हमने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम इसके अंडर कुछ कंपटीशन कराएंगे, लाइक डिबेट कंपटीशन है, राइटिंग मीनिया कॉन्टेस्ट है, स्लोगन राइटिंग है, और जो विनर्स होंगे उनका जो भी राइटअप होगा, जो भी डिबेट का कंटेंट होगा, उसको हम पब्लिश करेंगे अंडर दिस सेक्शन। ओके, अच्छा थोड़ा सा मैं डिटेल आपको देना चाहूंगा। वॉल्यूम वन इशू वन वी हैव ऑलरेडी पब्लिश फॉर जनवरी टू मार्च 2016, जिसके अंदर हमने थ्री थीम्स रखी थी, बिकॉज सी वी लाइक वी आर कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट कि भाई हम एक मैगजीन को चला रहे हैं, बट हमारे पास भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम लोग खुद कंफ्यूज होते हैं। तो सोचिए, मैंने आपको एक टिप्स दिया कि आर्टिकल को आप फर्दर पार्ट में डिवाइड कीजिए, हमने सोचिए अपनी मैगजीन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम बिग एप्पल टू दिस थिंग, हमने उसको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एंड देन फिर हमने उसको डिफरेंट थीम्स में डिवाइड कर दिया। तो इन प्रीवियस वॉल्यूम वी हैव टेकन मेक इन इंडिया, स्केल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, ये थ्री थीम्स थी जिसके अंडर हमने काम किया था। नाउ अपकमिंग इशू इज गोइंग टू बी लॉन्च इन अप्रैल, दैट इज फॉर अप्रैल टू जून 2016। वी हैव टिल नाउ वी हैव डिसाइडेड टू थीम्स, दैट वन इज स्टार्टअप इंडिया एंड वन इज टेक्निकल एजुकेशन। नाउ द आर्टिकल्स आर वेलकम फ्रॉम योर साइड, एंड इफ यू स्टूडेंट्स फाउंड एनी प्रॉब्लम related to the writing and all these things, and my presentation is there, if anyone wants to download this you can download it, you can ask to me, I will give it to you, and send your articles and try to just one thing keep in mind, whatever you are writing on startup India or technical education, keep a technical perspective in your mind. Okay, and last date of sending articles 15 March 2016. Just want to finish with a quote, like rejected pieces are not failures, unwritten pieces are. तो please कुछ भी है लिखिए, okay? And last, never save a good idea, just write it. Okay? Thank you. मेरा मोबाइल देना जी। Thank you, sir, for your charm of fluency.
It was a great honor for us, and we love to listen to your kind words again in future. We have one more esteemed guest, Dr. Dilip Singh Jadeja, retired principal, College of Forestry, Navasaray Agricultural University, Gujarat, with us. So, I would like to request Mr. Shivang sir to come on stage and honor our guest, Dr. Dilip Singh Jadeja, and present a memento as a token of love. Please, sir.